हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। तो श्रेणी अष्टम पिले जो मैंने 2022-23 शिक्षा वर्ष रे एनएमएमएस बा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन देवा पई जाऊ छ सेमानका हम चैनल द्वारा रेगुलरली संध्या समय रे आ एही समय रे क्लासेस होची, तेणु समस्त निहत पे जॉइन हो जीव। अधिक किछ अपडेट पई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे हम टेलीग्राम रो चैनल अछि, तार लिंक प्रोवाइड कर दै छी, से क्लिक कर जॉइन हो जीव। ठीक अच्छे, तो आज क्लास रे आमे आलोचना करवा तुम एनएमएमएस परीक्षा जोटा कि 2020-21 शिक्षा वर्ष रे जो सामाजिक विज्ञान आसी आम डिस्कस करवा बुझिपार्च। तो तापूर्व सर्वप्रथम जाना दरकार यो एनएमएमएस परीक्षा रे मुख्यतः दुईटी पेपर परीक्षा हम, गोटे हूँ मेट जहाँ को आम मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहे, आ गए हूँ सेट स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेट रु आस पे 90 एमसीक्यू, सेट रु आस 90 एमसीक्यू बुझिपार्च। तुमको जदि एनएमएमएस को जदि पाइबार अच्छी तो तुमको मिनिमम मेट रे 60 आउ सेट रे 60 अर्थात 60 120 प्लस मार्क आनबा को निहाती पड़ो बुझिपार्च। केवल 120 आनल हेनी 120 अधिक निहाती रूप आनबार अच्छे। जो सेट अच्छे पे मैंने सेट रे जो 90 एमसीक्यू प्रश्न आसव जहाँकि मुख्यतः तीन कैटेगोरी आसव। कौन कौन से तीन कैटेगोरी? प्रथम हूँ आमर विज्ञान विभाग जहाँ आम साइंस कहवा, साइंस रु आस पे मैंने टोटाल 35 प्रश्न। तापर रहा तुम गणित बा मैथ, एथर आस पे मैंने 20 प्रश्न। तापर आसा सोशल साइंस, एथर आस 35 प्रश्न। तो टोटाल देख 90 हूँ या ना 35 70 70 20 90, तो 90 एमसीक्यू प्रश्न आसव। प्रश्न गुड़िक सब पे मैंने एमसीक्यू आकार आस मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुझिपार्च। तो बास ये किसी इनफर्मेसन अच्छी बेसिक इनफर्मेसन गुड़िक। तो चलो बर्तमान देखिए आम 2020-21 शिक्षा वर्ष जो एनएमएमएस जो एग्जामिनेशन होता, ठीक अच्छे, तार जो सामाजिक विज्ञान बा सोशल साइंस जो अच्छी, सोशल साइंस कितना प्रश्न अच्छे ना 35 ए 35 प्रश्न को आम एठे आलोचना करवा। ठीक अच्छे, तो चलो तो पे मैंने यहाँ हूँ से ही 2020-21 शिक्षा वर्ष सेट पेपर अटे जहाँ आम स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्ला कह बुझिपार्च जहाँकि तुम्हें देखिपार। तो चलो प्रश्न नंबर आम जा सीधा सड़क 56 जो सेट पेपर सामाजिक विज्ञान आसो पे मैंने प्रश्न नंबर 56 रु आरंभ कर प्रश्न नंबर 90 पर्यंत रहइबो। तो 56 90 हूँ 35, तो 35 प्रश्न एड रहइबो। तो चलो मुझे गायब हो जाद्वारा प्रश्न तुम बराबर देखिपर। देख प्रश्न नंबर 56 देख कौन दे 56 नंबर प्रश्न देला जे गोटे व्यक्ति अच्छा जे कि ओडिशार खोर्धा राजा राजनैतिक और सामरिक परामर्शदाता थिले। से ब्रिटिश साम्राज्य शक्ति विरुद्ध विद्रोह कार्यकलापर आयोजन करते एथिपाई से पाइक नामक एक सेना दल गठन करते ब्रिटिश गिरफ करते कारागारे रखी थे पर 1806 निर्मम भाव में हत्या कर देते नाम कौन अटे। तो देख कौन कौन ऑप्शन दे नाम विश्वनाथ दास ना पंडित नीलकंठ दास ना जयराजगुरु ना चंदन हजूरी कौन आस आंसर तांका नाम फटाफट आंसर दिव पे देखा किए रईट आंसर दे पार्ट पे नाम हूँ ऑप्शन सी जयराजगुरु ऑप्शन सी जयराजगुरु। ठीक अच्छे, चलो 57 नंबर क्वेश्चन देख ये तुमको स्तंभ एक स्तंभ दुई देला स्तंभ एक बक्सी जगबंधु वीर सुरेन्द्र साय बिरसा मुंडा स्तंभ दुई देला दिक्यु यूरोपीय मानक विरोध करते ओडिशार संबलपुर आ गए पाइक विद्रोह एमती। तो क्या सहित किए संपर्कित कह देखा क्या सहित किए संपर्कित आतंभ तीन दी पे बापरे के लंबा प्रश्न गुड़े यहाँ ओके। तो जस्ट मुझे रखुचे स्तंभ तीन देख कौन दे 1827-1862 मध्य 37 वर्ष विद्रोह करते गोष्ठी सदस्य मान मद छाड़ापी कही 1807 देला तीन नंबर स्टेटमेंट देला। तो यही हिसाब रे देख ऑप्शन ए हम ए दुई एक्स
एटा हूँ स्तंभ एक, दुईटा हूँ स्तंभ दुई, एक्सटा हूँ स्तंभ तीन। बी रे देला, सी रे देला एवं डी रे देला, ता भीतर कोड हबा आमर राइट आंसर कहले देखी फटाफट आंसर दियो। देखो बेले आ भीतर जदि आमे देखिया बेले देखो बक्सी जगबंधु हबा आमर जे कि पाइक विद्रोह करते ओके आटा कर 1817 मसीह मीनस ए रहा स्तंभ एक रे स्तंभ दुई रन आउ स्तंभ तीन रेड तो ए तीन जेड हम तो देख ए तीन जेड कौट कौट अच्छी ए तीन जेड ए दुई एक्स अच्छी क्या भूल ए एक जेड यहाँ भी भूल ए तीन जेड यहाँ हो पार ए एक जेड यहाँ भूल तो ऑप्शन सी हम आंसर ऑप्शन सी हम आंसर तो आम केवल गोटे जना पड़े ही गला ए तीन जेड बी रो बी दुई एक्स हम तो देख बी रुई एक्स कौन हो बी दुई एक्स देख बी वीर सुंदर साए दुई ओडिशार संबलपुर जन्मग्रहण करते एक्स हूँ आमर जे कि 1827 रु 1862 मध्य 37 वर्ष लड़ाई करते आ बलाकार है कौन सी बिरसा मुंडा जे कि दिको यूरोपीय मान विरोध करते बोले प्रथम स्टेटमेंट आर हूँ गोष्ठ सदस्य मान मद छाड़ा कहते वाई हो तो ठीक हम नेक्स्ट देख 58 नंबर क्वेश्चन प्राचीन और मध्ययुगीय समय रे वर्तमान ओडिशा राज्य अनेक राजवंश द्वारा शासित होता प्राचीन और मध्ययुगीय समय रे वर्तमान ओडिशा राज्य अनेक राजवंश द्वारा शासित होता से मधर दुईट राजवंश थे कादम्ब और जादव राजवंश ना सोमवंश सूर्यवंशी गजपति राजवंश ना काकतीय चालुक्य राजवंश ना चोल राष्ट्रकूट राजवंश तो कौन आस आंसर प्राचीन मध्ययुगीय समय रे वर्तमान ओडिशा राज्य अनेक राजवंश द्वारा शासित होता से मध्य दुईट राजवंश थे किए किए आंसर हो पाने ऑप्शन बी सोमवंशी और सूर्यवंशी गजपति राजवंशी ऑप्शन बी आसव ओके चलो नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 59 महाराष्ट्र सत्यशोधक समाज नामक एक सामाजिक महाराष्ट्र सत्यशोधक समाज नामक एक सामाजिक संस्कार संगठन जाति मध्य समानता प्रचार करते और समाज वंचित गोष्ठीपी सामाजिक अधिकार को समर्थन करते समाज प्रतिष्ठा थे स्वामी विवेकानंद ना ज्योतिबा फुले ना स्वामी दयानंद सरस्वती ना राजा राममोहन राय कौन आसब से थे महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले पे कौन झीर ना ना यहाँ हूँ पुरुष 60 नंबर क्वेश्चन देख से ही विकल्पटी को बाछतु जहाँ एक राजा सहित राजवंश नाम को सठिक भाव में मेल करे सठिक भाव में मेल करे तो ये आमको प्रताप रुद्रदेव दिव्यसेन देव ठीक अच्छे तापर दे आमको राजवंश ना देला पाल राजवंश भोई राजवंश सूर्यवंशी राजवंश और साम्राज्य गंगा राजवंश एमती देखे बुझिपार तो प्रथम दला ए दला आमको ये प्रताप रुद्रदेव कौन दे प्रताप रुद्रदेव आ बी दे आमको दिव्यसेन देव दिव्यसेन देव तो देख आप कौटा हो पार राइट आंसर एटा कहला ए तीन ए बेले प्रताप रुद्रदेव आर तीन बेले सूर्यवंशी बी दुई दिव्यसेन देव भूई वंश तो से सार बी देला सी देला डी देला आभितर कौटा हम आभितर हम बोला पे प्रताप रुद्रदेव हम आम सूर्यवंशी गजपति राजवंश ए रन ए रब तीन हम जदि ए रन हम देख ये ए रन दे एक दुई मैं ए रेक ए रुई दे ए रार तेनाली जा ऑप्शन ए आसव ए रन आर हम दिव्यसेन देव हम आम भूई राजवंश तो ऑप्शन ए आसव आंसर षाठ नंबर 61 नंबर क्वेश्चन आसला पे
महात्मा गांधी एक जातीयतावादी आंदोलन नेतृत्व नहीं थे और ब्रिटिश औपनिवेशवाद शासन विरुद्ध लड़ाई करने भारतीय मान कर मर डाकरा देते। यही समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में आजाद हिंद फौज इम्फाल दे बोले उत्तर पूर्वांचल इम्फाल देकर भारत में प्रवेश करने को असफल चेष्टा करते। महात्मा गांधी नेतृत्व में यही जातीयतावादी आंदोलन गोटे नाम जना अच्छे जो आंदोलन में कर मर डाकरा होता भारत छाड़ आंदोलन ना रावल सत्याग्रह ना असहयोग आंदोलन ना खिलाफत आंदोलन कि आंदोलन असहयोग आंदोलन पे आम 1921 खिलाफत आंदोलन मत से 1920-21 रावल सत्याग्रह से 1919 ये टाइम पीरियड होता कि भारत छाड़ आंदोलन होता आम 1942 मसीह तो आंसर हो भारत छाड़ आंदोलन। तो भारत छाड़ आंदोलन समय कर मर डाकरा जाता जो समय कि नेता सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज धरिकी इम्फाल देखिए भारत को प्रवेश कले कि विफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कनौज उपरे अधिकार पाइबा प्राय 2 शताब्दी धरी एम त्रिपाक्षिक संग्राम चलता। कनौज उपरे अधिकार पाइबा प्राय 2 शताब्दी धरी एम त्रिपाक्षिक संग्राम चलता क्या भितर गुजर प्रतिहर कदम्ब पालराजवंश मधे गुजर प्रतिहर राष्ट्रकूट पालराजवंश मधे चहमान राष्ट्रकूट पालराजवंश मधे तहमन चोल चालुक्य राजवंश मधे तो कौन हम आंसर ऑप्शन बी पिला माने गुजर प्रतिहर राष्ट्रकूट पालराजवंश मधे त्रिपाक्षिक संग्राम चलता। 23 नंबर क्वेश्चन देला से विकल्पटी बाछतु जहाँ सठिक भाव में मेल खाऊ गोष्ठी एक देला नादिर शाह नूरजहान मान साहेब मराठा माने ओके ओके ठीक है आउट छोट करदे ओके देख गोष्ठी दुई देला जहांगीर गरिला युद्ध भारत उपर चढ़ाऊ कर दिल्ली उपर आक्रमण करते गोष्ठी एक देला नादिर शाह नूरजहान मान साहेब मराठा माने तो देख आ भितर कौटा हाँ गोटे 4 नंबर देला पाहिया कि पदवी अली तो ऑप्शन ए बी सी डी भितर कौटा हम गोटे आंसर दियो दि प्रश्न नंबर हो पाने 63 क्वेश्चन नंबर एटा 63 अटे देख बिले आ भितर जो नादिर शाह कथा चिंता करवा बोले यही कथा जब चिंता करवा आर हम जी कि भारत उपर चढ़ाऊ कर दिल्ली उपर आक्रमण करते यन हम यहाँ तो कन्फर्म अटे जो यन अटे आमको जो कौटा भी मन पड़नी तो देख एर 4 देला ये हेनी एर 2 देला हेनी एर 3 देला हो पाए तो एक बी हम ना डी हम तर आउ गोटे देख आउटे तुमको आसला भाई लगुच देख बोले जो नूरजहान थे से बहुत करते जहांगीर को मीनस बी रब एक यदि बी रे हम देख ये दे चार हेनी ये देखिए बी रेक तो हम तो आम ऑप्शन डी हम ऑप्शन डी हम ए रन बी रेक ठीक अच्छे आउ सी रोचे आमर 4 मान साहेब जे कि पाहिया कि पदवी थी गोटे डी रोच दुई गरिला वारफर मराठा मान गरिला युद्ध करुले गरिला युद्ध रथ हो लुचिकी आटाक करवा। 64 नंबर क्वेश्चन देख गोष्ठी एक गोष्ठी दुई देला गोष्ठी एक रखिला फौजदार सदर कोतवाल बक्स गोष्ठी दुई रखिला सामरिक पेमास्टर धार्मिक परोपकारी संकरण प्रधानमंत्री सामरिक कमांडर टाउन पुलिस कमांडर तो देख ए बी सी भितर कौटा आंसर देख पे आ भितर जो फौजदारी अच्छी सी हम गोटे सामरिक कमांडर ए रन हम जो ए रन देख ए रुई दे कटिला ए रु दे कटिला ए रे एक कटिला ए रन मीन ऑप्शन डी एक हम तो तुम पे गोटे जो जना अच्छे आराम से सबूजा कर ठीक अच्छे ए रन तार बी रुई अच्छी बी रुई हेल्ले 17 हम धार्मिक परोपकारी संरक्षण प्रभारी मंत्री ठीक अच्छे तार सी रण हम सी रार कोतवाल हूँ गोटे प्रकार टाउन पुलिस कमांडर अटे बक्सी हूँ सामरिक पेमास्टर ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାରଖାନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାରଖାନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା 1912 ମସିହାରେ। ସେ କାରଖାନା କ'ଣ ଥିଲା, ବୋକାରୋ, ଭିଲାଇ, ନା ବିଶାଖାପାଟନା, ନା ଜାମସେଦପୁର? ଆଚ୍ଛା, ସେ କାରଖାନାଟା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ବୋକାରୋରେ, ନା ଭିଲାଇ, ନା ବିଶାଖାପାଟନା, ନା ଜାମସେଦପୁର? ବିଶାଖାପାଟନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆସିବନି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ, ଭିଲାଇ ବୋକାରୋ ଆସିବନି, ଆସିବ ଜାମସେଦପୁର ଆସିବ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଆସିବ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ମହାସାଗର ନିକଟରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଘଟିଥିବା ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ କ'ଣ କରିପାରେ, ସିମ୍ପଲ ସୁନାମି କରିପାରେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର ଯାହା ମେଘ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କୋଉଟା? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର ଯାହା ମେଘ ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାଣିପାଗ ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ସ୍ତର ଅଛି ସେଠୁ ଉପରକୁ ଯିବ ବୋଲେ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ରହିବ ଅପ୍ ଟୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଆସିଥାଏ କାହିଁକିନା ସେଠି ମେଘ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପାଣିପାଗ ରିଲେଟେଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଆସିବ, ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି ଉତ୍ତର। ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କର, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ମରୁଭୂମିରେ ମୋରେନ୍ ମିଳିଥାନ୍ତି, ମସରୁମ୍ ପଥର ଗ୍ଲେସିୟର୍ ମିଳିଥାଏ। ଆ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ, ମସରୁମ୍ ପଥର ମରୁଭୂମିରେ ଏକା ମିଳିବ। ତ ଦୁଇଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତ ସେ କହିଛି ଦୁଇଟା ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ହେବନି, ଏ ଦୁଇଟା ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ଆଉ ସି ହେବନି, ବି ଆଉ ଡି ଆ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ଆ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁ ମୋରେନ୍ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, ମୋରେନ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ କେଉଁଠି ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଏରିଆରେ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଏରିଆରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ମୋରେନ୍। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭୁଲ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ଅପସନ୍ ଡି ଆସିବ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ଆସିବ। 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରେ ସାଭାନା ଓ ବ୍ରାଜିଲରେ କାମ୍ପୋସ ହେଉଛି ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରେ ସାଭାନା କୁହାଉଛି, ବ୍ରାଜିଲର କାମ୍ପୋସ ବୋଲି କୁହାଉଛି, ତ କେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବ? 69ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶୀତଷ୍ମ ତୃଣଭୂମିକୁ, କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ବୁଦାକୁ, ନା ଉଷ୍ମ କଟିବନ୍ଧୀୟ ତୃଣଭୂମିକୁ, ନା ଶାଙ୍କୁଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ? ଉଷ୍ମ କଟିବନ୍ଧୀୟ ତୃଣଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବାୟୁରେ ଗ୍ୟାସ ଯାହା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ କ'ଣ କରିବା? ତ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସିପାରୁଥିବା UV ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଇଲେଟ୍ ବା ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ଠାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଓଜନ, ଯାହାକୁ ଆମେ O3 ବୋଲି ଲେଖୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି, ଏପରି କୌଣସି ପଥର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଥିବ, ତାକୁ ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରିର କହିବା, ନା ମେଟାମରଫିକ, ନା ଇଜିନିୟସ୍ର କହିବା? ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରି ରକ୍, ହେଲା କି? ଆମର ରକ୍ ବା ପଥର ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରଣ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଇଜିନିୟସ୍ ରକ୍ ବା ଆଗ୍ନେୟଶିଳା, ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ ଆଗ୍ନେୟଶିଳା, ଆଉ ହେଉଛି ସ୍ତରଭୂତ ଶିଳା, ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ଏମିତି 3 ପ୍ରକାର ପଢ଼ୁଛ। ଇଜିନିୟସ୍ ରକ୍କୁ ଆଗ୍ନେୟଶିଳା କୁହାଯାଏ, ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟ ରକ୍କୁ ସ୍ତରଭୂତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ, ମେଟାମରଫିକ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ତରଭୂତ ଶିଳାରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଥାଏ, ମିନ୍ସ ଆନ୍ସର ଆସିବ ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରି ରକ୍, ଅପସନ୍ ବି। ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହିବା, ଅପସନ୍ ସି ଜଳଚକ୍ର। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର କ୍ଷୟ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ଉପକୂଳର ସ୍ଥଳଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନିମ୍ନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସମୁଦ୍ର ଆର୍କ, ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା,
समुद्र बेलाभूमि ना समुद्र लिफ्ट? समुद्र बेलाभूमि, ऑप्शन सी समुद्र बेलाभूमि। साल सागवान निम्ब और सीसम परी शक्त काठ विशिष्ट गच्छ साहांत एठारे देखा जाए। साल सागवान निम्ब और सीसम परी शक्त काठ विशिष्ट गच्छ साहांत एठारे देखा जाए केउठारे? उष्णकटिबंधीय चिरहरित जंगल रे, शीतोष्ण पर्णमोची जंगल रे, शीतोष्ण चिरहरित जंगल, उष्णकटिबंधीय पर्णमोची अरण्य केउठे देखा जाए? यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णमोची जंगल रे देखा जाए। चिरहरित अर्थ जो जंगल गच्छर पत्र जो जंगल थी समस्त गच्छर पत्र गुर्थर पत्र झड़ा दे दिखती ना आम चिरहरित कहवा जदि गोटे निर्दिष्ट समय पत्र झड़ा दे दिखती आम पर्णमोची अरण्य बोली कहीपर। ओके नेक्स्ट देख, भारत सुवर्ण चतुर्भुज संजोग करे कोड़ा को सुवर्ण चतुर्भुज आम कह पाने आभितर को कह चेन्नई दिल्ली कलिकता मुंबई ए चार्टा सहर को आम कह सुवर्ण चतुर्भुज चार्टा शीर्ष बिंदु। गंगस और ब्रह्मपुत्र नदी मैंने यहाँ गंगस ना गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मधुर जल में जो प्रकार डल्फिन मिले ताको कौन कह जाए? बटल लोज डल्फिन, स्ट्राइपर डल्फिन, ब्लाइंड डल्फिन ना स्पॉटेड डल्फिन? ताको हम कहिबा ब्लाइंड डल्फिन, ब्लाइंड डल्फिन बोल देखा हम कहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाने, निम्नलिखित होउछि एक प्रकार वाणिज्यिक चाष जो थे चा कफी आखु काजु रबर आ कपा आदि चाष करा जाए, जेकोसी गोटे प्रकार फसल चाष करा जाए, इतने बहु परिमाण श्रम और पूंजी लगे और उत्पादक गुड़ी जहाँ भी किसी प्रोडक्शन हुए क्षेत्र ही किंबा निकटस्थ कारखाना प्रक्रियाकरण कराए वाणिज्यिक शस्य चाष ना वृक्षरोपण चाष ना मिश्रित चाष ना सहायक चाष ताक आम कौन कहवा? ताक आम वृक्षरोपण चाष ताक आम रोपण चाषपर। भारतीय दुग्धजात द्रव्य कंपानी अमूल जार मुख्य कार्यालय गुजरातर आनंद रही गोटे घर शिल्प ना मिलित क्षेत्र ना समवाय क्षेत्र ना सार्वजनिक क्षेत्र? यहाँ एक समवाय क्षेत्र, ऑप्शन सी। माटीर उपरी भाग में प्राकृतिक भाव में जमा होता जैव पदार्थ को कौन कह जाए? ह्यूमस ना बाली ना अलिया गदा ना कादु ताक आम कह ह्यूमस, ऑप्शन ए ह्यूमस। उष्णकटिबंधीय वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में शिकारी मान निजक रक्षा करने पशु मान गा छद्म आवरण करार क्षमता को सर्वोत्तम भाव में कौन कह जाए? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में शिकारी मान निजक रक्षा करने पशुपक्षी जो गच्छर रहा और छद्म आचरण करवा कौन कह? अनुकूल होगाजग ना स्थानांतरण ना लोकोमोशन ताक आम कह अनुकूल होडजस्ट होपर। भारतीय संविधान प्रस्तावन एक शब्द भारत गणतंत्र एक मौलिक प्रकृति को वर्णना करता है। प्रस्तावन अर्थ होती जहाँ आम इंग्लीश प्रिमेबुल कहींपर। भारतीय संविधान प्रिमेबुल प्रस्तावन गोटे शब्द भारत गणतंत्र एक मौलिक प्रकृति को वर्णना करता है। यही शब्दर अर्थ होची जे भारत लोक मान आभ्यंतरण तथा बाह्य प्रसंग निष्पन्न अधिकार केवल भारत अच्छे बाह्य शक्ति कौन सी शर्तावली लगे पार ना ताक आम कहे भारत हूँ एक सार्वभौम राष्ट्र बा सोवेरिटी ताको इंग्लीश सोवेरिटी बा ओडिया सार्वभौम आम कह जी भारत इंटरनाल क्षेत्र में निष्पन्न कैपासीटी केवल भारत अच्छी बाह्य शक्ति हस्तक्षेप करें ना ताको सार्वभौम बा सुभनिधि कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मधु के भारत संविधान द्वारा सुरक्षित मौलिक अधिकार मधु गोटे नुहे शोषण विरोध अधिकार स्वाधीनता अधिकार समानता अधिकार सूचना अधिकार क्योंकि भारत संविधान द्वारा सुरक्षित मौलिक अधिकार नुहे आ भितर शोषण विरोध अधिकार मौलिक अधिकार जा समानता अधिकार मौलिक अधिकार जाऊँच स्वाधीनता अधिकार मौलिक अधिकार जाऊँच सूचना अधिकार गोटे मौलिक अधिकार ना तो ऑप्शन डी हम आंसर।
ऑप्शन डी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंबर 1946 रु नवंबर 1949 स्वाधीन भारत पर संविधान यार सदस्य मान द्वारा प्रस्तुत कर देखिला। ठीक अच्छे तो क्या द्वारा कर देखिला? शासन विधायक सभा द्वारा, सांविधानिक सम्मेलन द्वारा, ना सांविधानिक कमिटी, ना संविधान आयोग द्वारा, क्या द्वारा? मैंने शासन विधायक सभा ना सांविधानिक कमिटी। ता संविधानिक कमिटी द्वारा, सांविधानिक कमिटी ऑप्शन सी आस। ठीक अच्छे नेक्स्ट देख भारत भारत एक राज्य भारत एक राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल मंत्रिपरिषद एकत्र गठन करती। भारत एक राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल मंत्रिपरिषद एकत्र गठन करती राज्य ऑडिट कमिशन कह राज्य कार्यनिर्वाही कह राज्य न्यायपालिका कह राज्य विधानसभा कहें कौन कह कह राज्य कार्यनिर्वाही ऑप्शन सी राज्य कार्यनिर्वाही कह। वर्तमान भारत संविधान रे तालिकाभुक्त कर भारतीय नागरिक सर्वमोट मौलिक कर्तव्य हूँ 9 ना 10 ना 11 ना 12। वर्तमान भारत संविधान रे तालिकाभुक्त कर भारतीय नागरिक सर्वमोट कर्तव्य हूँ 11 कतोटी 11 1976 मसीह प्रथम थर पर संविधान संशोधन कर 10 कर्तव्य रखा जाता 2002 मसीह बुद्धे 82 संशोधन बुद्धे यहाँ टी डाउट अच्छे कि 2002 मसीह 86 संविधान संशोधन बल में आहुरी एक्सट्रा कर्तव्य आड कराला और टोटाल कर्तव्य 11 है तो ऑप्शन सी आस। निम्नलिखित मध्य के भारत अधीनस्थ न्यायगुड़िक गोटे नुहे उच्च न्यायालय महानगर निगम न्यायालय जिला विचारपति न्यायालय ट्रायल कोर्ट कौटा भारत अधीनस्थ न्यायगुड़िक गोटे नुहे भारत अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ अर्थ हूँ निम्न न्यायालय निम्न न्यायालय में महानगर निगम न्यायालय आसो जिला विचारपति न्यायालय आसो ट्रायल कोर्ट आसो कि उच्च न्यायालय आसो ना उच्च न्यायालय आसो तेनाली अपसन हो आंसर। भारत में एक रु अधिक स्तर जो सरकार अच्छी एक रु अधिक स्तर अर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पंचायत राज जो भिन्न भिन्न टाइप जो सरकार अच्छी आमर राज्य स्तर में केन्द्र में पंचायत राज सरकार अच्छा भारत संविधान यही सरकार रूप को गोटे नामकरण दि जाए संघीय सरकार कह समाजवादी सरकार ना संसदीय सरकार ना धर्मनिरपेक्ष सरकार तो केन्द्र सरकार राज्य सरकार पंचायत राज सरकार अच्छी यहाँ आम कह मुख्यतः संघीय सरकार इंग्लीश फेडरालिजम कहे फेडरालिजम कंट्री भारत हूँ एक प्रकार फेडरालिजम कंट्री अटे अवश्य आम संविधान रे फेडरालिज्म को लिखा जाए ना कि भारत फेडरालिज्म को प्राक्ट कै भारत राज्यसभा अध्यक्ष किए बहुत सिंपल पे मैंने भारत उपराष्ट्रपति होती भारत राज्यसभा अध्यक्ष राज्यसभा सीट संख्या हूँ 250 कि अच्छे के 245 अच्छा 5 सीट खाली अच्छे। धर्म हस्तक्षेप करने सहित धर्म हस्तक्षेप करने सहित धर्म ठारु मध्ये दूरे रहिबा धर्म हस्तक्षेप करने सहित धर्म ठारु मध्ये दूरे रहिबा रणनीति सहित भारत राज्य कार्य करथाय राज्य द्वारा धर्म कर देथिबा जे कोनो हस्तक्षेप भारत संविधान राज्य होइथिबा आदर्श उपरे जरूरी धर्म प्रति भारत एही राज्य कौशल को कहउछि बहुवचनता नीतिगत दूरता अणश्रेणी बद्धता अणहस्तक्षेप ताकु कहउछि नीतिगत दूरता बोले कह जाए नीतिगत दूरता। लास्ट है पे मैंने भारत राष्ट्रपति और दुई गृह राज्यसभा और लोकसभा एकत्र कौन कह जाए ताको कह संसद बोली कह। ठीक अच्छे तो पाने ये प्रकार 30 मिनट मध्य यही 35 प्रश्न आम शेष कले परवर्त भिडियो आम आलोचना करवा यार जो गणित 20 प्रश्न अच्छे आपको डिस्कस करवा सहित मेड पेपर को आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो चलो समस्त थैंक यू सो मच।